आज की कहानी आलसी खरगोश। एक खरगोश था, उसका नाम गुप्लू था और उसके दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम टॉमी था और दूसरे का नाम किट्टी था। टॉमी और किट्टी खरगोश गुप्लू के पड़ोस में ही रहते थे। टॉमी और किट्टी जब खेलने बाहर जाते तो वह गुप्लू को भी बुलाते, लेकिन खरगोश गुप्लू हमेशा मना कर देता। नो, 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 नो। वह कहता, मुझे आराम करना है और मोबाइल पर गेम खेलना है। तुम सब जाओ बाहर खेलने, मैं तो घर में ही रहूंगा। गुप्लू के दोस्त हमेशा उसे बुलाते थे खेलने, लेकिन खरगोश गुप्लू बार बार मना कर देता। यह देखकर टॉमी और किट्टी खरगोश गुप्लू को बुलाना ही छोड़ दिए और वो दोनों बाहर जाकर खेलते थे। एक दिन टॉमी और किट्टी ने कहा कि बहुत महीने हो गए हैं, हमारा दोस्त गुप्लू कैसा है, कभी दिखता ही नहीं। चलो उसके घर चलते हैं और देखते हैं कि खरगोश गुप्लू क्या कर रहा है। दोनों खरगोश गुप्लू से गए मिलने के लिए। जब टॉमी और किट्टी ने अपने दोस्त गुप्लू को देखा तो उन्हें अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका दोस्त खरगोश गुप्लू बहुत ही मोटा हो गया था और मोटे होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब टॉमी और किट्टी ने अपने दोस्त को इस हालत में देखा तो टॉमी और किट्टी ने गुप्लू को कहा कि दोस्त, हम लोग तुम्हें बोला करते थे कि दिन भर वीडियो गेम मत खेला करो, दिन भर घर में मत पड़े रहा करो और हमारे साथ आया करो खेलने के लिए, लेकिन तुम हम लोगों की बात एकदम नहीं सुनते थे और देखो उसी का परिणाम है कि आज तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह सुनकर गुप्लू ने बोला, दोस्त तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, आज के बाद मैं हमेशा फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश करूंगा और तुम लोगों के साथ खेलने भी जाऊंगा बाहर और फोन को बहुत ही कम इस्तेमाल करूंगा जब बहुत ही जरूरी काम हो। यह सुनकर टॉमी किट्टी और खरगोश गुप्लू एक दूसरे को देखने लगे। और फिर क्या था, खरगोश गुप्लू फिर से स्वस्थ हो गया और अब सिर्फ टॉमी और किट्टी बाहर खेलने नहीं जाते थे, अब उनके साथ उनका दोस्त गुप्लू भी खेलने के लिए जाता था। आज टॉमी, किट्टी और गुप्लू तीनों बहुत ही स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाकर खेलते हैं और फिजिकली एक्टिव रहते हैं और फोन का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। इस कहानी को देखकर ये सीख मिलती है कि हमें दिन भर मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और बाहर खेलने के लिए भी जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं सुचित्रा और हम सभी का प्यारा खरगोश गुप्लू आप सभी से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। टाटा, गुड बाय।